पुणे के लाइन बाजार में एक और जच्चा बच्चा को दलालों एवं नर्सों के लालच के कारण जान से हाथ धोना पड़ गया। दलाल का नाम अजय कुमार एवं मीना खातून बताया जा रहा है, जिन्होंने मृतिका प्रियंका कुमारी के परिजनों को सदर अस्पताल से बहला फुसला कर नर्स शीला देवी के यहाँ प्रसव के लिए लाया था, जिसके लिए 30,000 की राशि तय की गई थी। शीला देवी मकान मालिक शंभु वर्मा के मकान में अवैध नर्सिंग होम खोल रखा है, जहां दलालों के माध्यम से ही मरीजों को बरगला कर यहां तक लाया जाता है। और इन्हीं लोगों के लोभ का शिकार हो गई प्रियंका कुमारी, जिसका घर बढ़ारा थाना क्षेत्र के पसराहा गांव में है। प्रियंका कुमारी को प्रसव के लिए सदर अस्पताल लाया गया था, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने कटिहार मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया था। और इसी बीच दलाल अजय कुमार एवं मीना खातून ने उसके परिवार वालों को बरगला दिया और सुरक्षित प्रसव कराने का भरोसा देते हुए शीला देवी का नर्सिंग होम पहुंचा दिया। और यहां प्रियंका के साथ उपचार एवं प्रसव के नाम पर जो किया गया, उसका परिणाम यह हुआ कि प्रियंका को अपने बच्चे के साथ जान से हाथ धोना पड़ गया। इस घटना से न केवल परिजन में मातम का माहौल व्याप्त रहा, बल्कि मौके पर मौजूद अधिकांश लोगों के आंखों में आंसू छलक आए थे। लोग ऐसी घटनाओं के लिए जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराते हुए काफी आक्रोशित दिख रहे थे। सभी का यही कहना था कि इस तरह के अवैध नर्सिंग होम विभागीय अधिकारी एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों के बगैर जानकारी का कैसे चल सकता है, और अगर जानकारी नहीं होती है तो ऐसी घटनाएं जब सार्वजनिक हो जाती हैं तो भी ठोस कार्रवाई क्यों नहीं होती है। लोगों का कहना था कि मामला बिगड़ने पर कार्रवाई के नाम पर महज खानापूर्ति की जाती है, इसीलिए शीला देवी जैसी कई महिलाएं नर्सिंग होम खोलकर धड़ल्ले से चला रही हैं, जिसमें कई पुरुष भी शामिल हैं जो रुपये कमाने के लिए मरीजों को बरगला कर यहां तक पहुंचा देते हैं। परिजनों की शिकायत पर सहायक खजांची थाना में मामला दर्ज किया गया है और सब का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। ऐसे धंधे में शंभु वर्मा जैसे कई मकान मालिक भी शामिल हैं, जो ज्यादा रुपये के लालच में फर्जी नर्सिंग होम चलाने वालों को मकान भाड़ा पर दिया करते हैं। और वहां न केवल मरीजों से अवैध उगाही होती है, बल्कि लोगों की जान के साथ खिलवाड़ भी किया जा रहा है। रक्त मिलने वाला नहीं है, तो चले जाओ वहाँ पर भागलपुर। भागलपुर के बाद उसके बाद उसके एम्बुलेंस मेरे को नहीं मिला, फिर एक दो घंटा होने से मेरा लड़की बहुत ज़्यादा होने लगा। फिर उसी जगह वहाँ आदमी आके कहता कि मेरे पास चलो ब्लड भी मिल जाएगा, तब भी मिलेगा, इसको मैं थोड़ा नॉर्मल कर दूँगा। अब उसने मेरे घर यहाँ पर लेकर आके फिर ब्लड भी ले आया, सब किया। तो पहले तो बच्चे भी पैदा कर एक मिनट में कर दिया उसने, उसके बाद एक घंटा बाद डेढ़ घंटा बाद उसकी मार भी मर गया, फिर बच्चा मर गया, फिर मार भी मर गया। अच्छा, तो कौन आदमी था वो, जो पहचानते हैं उनको? दिखा दिखाइए दिखाइए किस कारण। कितना रुपया लिया आप लोगों से? पहले तो 30,000 में बात किया था, 7,000 रुपया दिया। तो जो बात वो बोला कि ले चलिए सब कुछ ठीक हो रहेगा, वैसा कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। आप लोग भागलपुर जा रहे थे? भागलपुर जा रहे थे। और पटिया सरिया कहाँ ले आया? कब कब डेथ हुआ? कल शाम में, कल 12 बजे, 1-1.5 बजे रात में ही ना? पुलिस को सूचना दिए हैं आप लोग? केस करेंगे क्या?